हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेकर आया हूं 19 सितंबर आईएलटीएस एग्जाम की। सो अगर आपका भी एग्जाम है उस दिन, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल मेंशन सम इम्पॉर्टेंट राइटिंग टास्क 1 और 2 स्टेटमेंट्स, और साथ ही आपको रीडिंग पैसेजेस के नाम भी बताऊंगा जिसमें से आपको एग्जाम रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है। इवन इन प्रीवियस एग्जाम राइटिंग टास्क 2 आपको मेरी प्रेडिक्शन में से देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में जो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम हुआ है उसमें सेम या ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ, और काफी स्टूडेंट्स की मुझे मैसेज भी आए, उन्होंने कमेंट भी किए कि सेम एज इट इज उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा था। सो उनका राइटिंग मॉड्यूल काफी अच्छा गया। सो एज आई ऑलवेज टेल यू कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिफरेंट कंट्रीज में सेम ही रहते हैं, सो उनमें से एग्जाम रिपीट होने के चांसेस आपके मैक्सिमम रहेंगे। लेट्स सी कि 19 सितंबर को आपको राइटिंग मॉड्यूल में क्या देखने को मिल सकता है। टास्क 1 में आपको टेबल चार्ट, बार एंड लाइन चार्ट, इन तीनों में से एक आने के चांसेस रहेंगे। फोकस आपने टेबल चार्ट और लाइन के ऊपर करना है। टास्क 2 यानी ऐसे की बात करें तो डिस्कस बोथ विज गिवर ओपिनियन, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप। ईजी डालना हुआ तो वो प्रॉब्लम सोल्यूशन डाल देंगे आपका, या फिर आपका डिस्कस बोथ विज गिवर ओपिनियन टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं इसमें, आपका फैमिली एंड चिल्ड्रन ये मेन रहेगा। पेरेंट्स कैसे एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों की, या फिर क्या इन्फ्लुएंस रहता है घर के एटमॉस्फेयर का, सो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। मीडिया बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपका न्यूज़पेपर आते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या पेपर बेस्ड हो, किसके फायदे हैं किसके नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका रेडियो और टेलीविजन वाला। उसके अलावा क्या इम्पैक्ट है टीवी टेक्नोलॉजी का चिल्ड्रन के ऊपर। हेल्थ रिलेटेड हो सकता है आपका, ओबेसिटी से काफ़ी ज़्यादा बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सो फैटनिंग फूड का प्राइस इंक्रीज करना चाहिए या नहीं, या फिर आपका क्राइम के ऊपर हो सकता है, जुवेनाइल क्राइम के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें आपने किन पे फोकस करना है। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, वॉचिंग टीवी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो दिस क्वेश्चन, फैमिली मेम्बर्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर आप देखें तो दिस क्वेश्चन वुड बी इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट रोल्स हो गए हैं पेरेंट्स मदर एंड फादर के, ये वाला क्वेश्चन। एंड दिस वन, रेडियो का क्या बेटर है, रेडियो या फिर टेलीविजन। इसके साथ कॉम्बिनेशन में टास्क 1 आता होता है आपका होम स्मोकरी वाला, ठीक है। ये काफ़ी बार साथ में रिपीट होते हैं, रेडियो वाला और होम स्मोकरी वाला जो आपका डायग्राम है। आगे देखिए तो आपका ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, दिस वन, या इंटरनेशनल जो आपके मैगजीन्स वगैरह हैं उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो दिस क्वेश्चन रोबोट्स वाला, कि रोबोट्स का ह्यूमन के फ्यूचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। उसके बाद बात करें आपका तो या चिल्ड्रन आर फेसिंग मोर प्रेशर नाउडेज, एकेडमिक सोशल कमर्शियल परस्पेक्टिव, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए तो दिस क्वेश्चन वुड बी इम्पॉर्टेंट, या दिस वन, पेरेंट्स हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, अदर थिंग्स लाइक टेलीविजन और फ्रेंड्स हैव मोर इम्पॉर्टेंट रोल। सो ये आपके इम्पॉर्टेंट टास्क 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको टास्क 1 के क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इनमें मैंने टेबल चार्ट, बार और लाइन इंक्लूड करा है। ध्यान रखिए अगर डायग्राम आता है आपको, तो आपको एंशियंट कटिंग टूल वाला, सॉफ्ट चीज़ मेकिंग, और जो मैंने अभी आपको बताया वो वाले डायग्राम ही इम्पॉर्टेंट है, उनमें से ही आपको एक रिपीट होगा अगर आता है एग्ज़ाम में डायग्राम आपका। अदरवाइज ये मिल्क प्रोडक्शन वाला इम्पॉर्टेंट है, 4 कंट्रीज़ का डेटा है आपका एनुअल मिल्क प्रोडक्शन वाला। सो ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट टास्क 1 स्टेटमेंट। अगर आपको मेरी राइटिंग बुक चाहिए जिसमें से एग्ज़ाम रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट हुए हैं, अभी मैं आपको डेट वाइज बता देता हूँ, जितने आपके पिछले 20 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से मिनिमम 15 एग्ज़ाम आपको मेरी बुक में से ही देखने को मिले हैं। बात करें आपके 7 सितंबर एग्ज़ाम की, तो आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था एग्ज़ाम में बुक में से। उसके बाद बात करें 31 अगस्त, उसमें ये वाला सेम एज इट इज़ विद सैम्पल आंसर मैंने स्टूडेंट्स को बोल रखा था कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। बात करें आपके 17 अगस्त एग्ज़ाम की, तो उसमें भी आपको मेरी ही बुक में से आया था, इवन टास्क 1 और 2 साथ में रिपीट हुए थे। बात करें आपके 8 अगस्त एग्ज़ाम की, उसमें भी आपको इसी बुक में से देखने को मिला था, सेम, कोई चेंजेस नहीं, सेम स्टेटमेंट विद सैम्पल आंसर।
सो ये जो बुक्स मैंने बना रखी हैं ये आईडीपी के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक से बना रखी हैं, और पूरे जून जुलाई अगस्त मंथ में आपको राइटिंग मॉड्यूल इसी में से देखने को मिला है। और मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको दोनों राइटिंग टास्क 1 और 2 इस बुक में से साथ में रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। रीडिंग पैसेजेस भी साथ में मिलते हैं आपको, और ये भी जो पैसेजेस मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे अहेड ऑफ इट्स टाइम। जो हो गया ये इंपॉर्टेंट पैसेज है, ये आएगा आपको। सो जिसको भी ये बुक्स परचेज करनी हुई तीनों साथ में मिलेंगी, राइटिंग रीडिंग लिसनिंग। सो अगर आपने बाय करनी हुई ये पास्ट एग्जाम बुक्स मुझे मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड कर देता हूँ। एकेडमिक रीडिंग की बात करें आपकी तो इट वुड बी ईजी दिस एग्जाम, इन दिस एग्जाम इट वुड बी ईजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इस बार आपको रीडिंग। अकेडमिक ओनली एग्जाम है, लेवल ना अकेडमिक ओनली एग्जाम में ईजी टू मॉडरेट ही रखते हैं, डिफिकल्ट बहुत रेयर चांस हो कि ओनली अकेडमिक एग्जाम में आपको आए। पैसेज वन में आपको क्वेश्चन टाइप ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स, बट हो सकता है कि डिफरेंट क्वेश्चन टाइप देखने को मिल जाए, हेडिंग वगैरह भी हो सकते हैं, बट दैट वुड बी ईजी, लेवल ईजी ही रहेगा उसका। पैसेज टू की बात करें तो इट वुड बी मॉडरेट, इसमें आपके क्वेश्चन टाइप रहेंगे विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, और साथ में 3-4 ब्लैंक्स होंगी। थर्ड पैसेज में आपको समरी देखने को मिलेगी, उसके बाद होंगे आपके एमसीक्यूज, एंड आपकी थर्ड क्वेश्चन टाइप रहेगी मैचिंग वाले या फिर आपके यस नो नॉट के वन, सॉरी। सो इनमें से आपको क्वेश्चन टाइप देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं आपके लिए म्यूजिकल मेलोडीज, लिविंग ड्यून्स, ठीक है, जॉन फ्रैंकलिन, उसके बाद एक पर्सन रिलेटेड आपको आ सकता है, कैथरीन मैंसफील्ड आपका हो सकता है, या फिर आपका रेडियो कार्बन डेटिंग, आपका नैन्सी एटफील्ड वाला जो पैसेज था शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका। टर्माइट माउंट्स, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखें तो ग्रिम्स फेरी टेल्स हो गया आपका, उसके बाद द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, थॉमस यंग, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज वन है थॉमस यंग वाला, ये हर साल रिपीट होता है आपका और इस साल नहीं आया, सो आई एक्सपेक्ट कि आने वाले 2-3 एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक एंड इमोशंस एंड द फॉरगॉटन फॉरेस्ट, ये आपके मैंने पैसेज वन पे ज़्यादा फोकस किया है, पैसेज वन एंड पैसेज टू मेनली, ठीक है। पैसेज वन इस बार आपको रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, और ये सारे पैसेजेस मेरी बुक्स में हैं। कुछ पैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे वेबसाइट्स के ऊपर, ये एक्सक्लूसिवली मेरे पास ही हैं, जैसे फेयर वाला हो गया, हॉट एयर बलून हो गया, और भी पैसेजेस हैं जो आपको शायद ऑनलाइन ना मिले, ठीक है। लिसनिंग मॉड्यूल पे आते हैं आपका, लिसनिंग वुड बी इजी, लिसनिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको मैप मुश्किल लगता है, पार्ट टू में आपको मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग एमसीक्यूज पार्ट थ्री में, और मैचिंग टाइप बॉक्स वाले आपके होंगे। पार्ट वन वही यूजुअल आपका नोट्स कंप्लीशन रहेगा, 1-2 word टाइप ब्लैंक ही रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं। पार्ट फोर अगेन लेक्चर, इट कुड बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ एनी सिविलाइजेशन या फिर हिस्ट्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, गिटार वगैरह कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। सो लेवल वुड बी ईजी, कौन सी लिसनिंग आपने प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है, उसमें आपका जॉब इंक्वायरी हो गया, उसके बाद ये वाली कस्टमर बुकिंग रिक्वेस्ट फॉर्म, फोर्थ पार्ट में आपका रहेगा दी टॉनी आउल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, उसके बाद बिस्लामा, लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज की हिस्ट्री है, एंड अफेक्ट ऑफ डिनर ऑन इन्वायरमेंट। मैप अगर देखना है तो फिचटन रेलवे स्टेशन वाला मैप रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद पार्ट वन में हेल्थ क्लब एंड थिएटर क्लब वाला, सो ये आपके लिए मैंने, ये आपको लिसनिंग कहाँ मिलेंगी, मेरे लिसनिंग चैनल पे आपको ये सारी मिल जाएंगी, यहाँ पे मैंने ये सारी अपलोड कर रखी हैं। लिसनिंग फॉर आइल्स मेरा लिसनिंग वाला चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से आपको लिसनिंग रिपीट हो चुकी है और आगे भी आपको देखने को मिलती रहेगी। सो दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो ये थी आपकी प्रेडिक्शन एग्जाम की। नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको पास्ट एग्जाम बुक्स चाहिए होंगी, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, या फिर अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास में एनरोल करना चाहते हैं, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे बैच में रजिस्टर कर लीजिएगा। रिजल्ट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिल जाएंगे, 8.58 बैंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं रीडिंग लिसनिंग में, खास तौर पे 8.58 वाले आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपने भी ऐसे बैंड्स को रिचीव करने हैं तो जल्दी से एनरोल करिएगा। मेरे एक बैच में 4-5 स्टूडेंट ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता हूँ, फोकस प्रॉपर दिया जाता है वीक एरियाज के ऊपर, ताकि एटलीस्ट आप 6.56 मैंट्स ले पाएं। सो मेक श्योर कि
कि आपने अगर रजिस्टर करना हुआ तो टाइम से करिएगा, अगर बैच फिल हो गया फिर आपको शायद मौका ना मिले। सो आपके लिए मैंने स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स भी डालने शुरू कर दिए हैं, न्यू बुक जो है आपकी पब्लिश हुई है। सो ये मैंने पहले दो क्यू कार्ड्स डाल दिए हैं, इनको आप वीडियोस को ज़रूर देखें यार, आप फॉलोअप्स के साथ वोकैबुलरी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन की है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट क्यू कार्ड्स के अंदर। सो इन वीडियोज़ को भी शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर कि आप चैनल को ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर 6K सब्सक्राइबर्स, और धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे कम्युनिटी को, 10K हो जाएंगे विद इन 2-3 मंथ्स। आई होप you are enjoying my videos, so take care, I'll see you very soon.